बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लाइव फीड में पूजा भट्ट ने कर दी है सारी हदें पार। आइए जानते हैं आखिरकार पूजा भट्ट ने एक बार फिर कैसे की है फुकरा इंसान के साथ बदतमीजी, जिसके बाद आपका भी खौल उठेगा खून। वेल गाइस, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लाइव फीड में हमने देखा कि जहां एक और व्हाइट टीम के लोग फाइनली टास्क जीत चुके हैं, इस वजह से उन्हें कोई भी काम नहीं करना है, उन्हें सारे काम से छुटकारे मिले हुए हैं और उनकी ओपोनेंट टीम यानी कि ब्लैक टीम के सभी सदस्यों को घर के सभी काम करने हैं। ऐसे में क्योंकि बतौर कैप्टन फिलहाल फुकरा इंसान की टीम जीत चुकी है, तो फुकरा इंसान उस हिसाब से कैप्टन है। ऐसे में फुकरा इंसान ने देखा कि गार्डन एरिया में काफी गंदगी मची हुई है। फुकरा इंसान जाकर पूजा भट्ट और बाकी वहां मौजूद उनके टीम के लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग आज कृपया करके बेडरूम एरिया को क्लीन करना छोड़ दें, लेकिन गार्डन एरिया साफ कर दें क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। ऐसे में फुकरा इंसान ने बेहद ही सलीके से और रिस्पेक्टफुली ये बात कही, लेकिन यहाँ पूजा भट्ट ने लिमिट क्रॉस करते हुए बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। पूजा भट्ट ने कहा, आप जाइए नहाइए और अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम मत सिखाइए, हम देख लेंगे और हम कर लेंगे हमें क्या करना है। ऐसे में यहाँ पर फुकरा इंसान ने बेहद ही सलीके से ये बात कही थी कि वो वहाँ गंदगी मची है इसलिए क्लीन कर दे, लेकिन यहाँ पूजा भट्ट ने फाइनली सारी हदें पार करते हुए अपनी बदतमीजी दिखा दी सभी लोगों के सामने। ऐसे में फुकरा इंसान वहां पर बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। फिर पूजा भट्ट यहाँ पर बैक बिचिंग करते हुए ये कहती नजर आई कि अब ये हमें सिखाएंगे हमारा काम। तो वैसे में पूजा भट्ट की इस बदतमीजी पर लगातार आपका भी खौल उठेगा खून। आप भी बताइए कि पूजा भट्ट की इस बदतमीजी से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।